प्रिय छात्रगण, MOOCs के पाठ्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। व्याकरण के समास प्रबोध का आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। इसमें अब तक आपने कर्मधारय समास पर्यंत अध्ययन कर लिया है, तो जिस प्रकार से गत पाठ में आपने तत्पुरुष के भेद कर्मधारय के बारे में, उसके विधायक सूत्रों के बारे में पढ़ा था, इसमें कर्मधारय का ही भेद होता है द्विगु, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही नए तत्पुरुष और गति उपपद समास के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से इस पाठ का विषय है द्विगु नए तत्पुरुष गति उपपद समास। इस पाठ में मुख्य बिंदु यही है कि द्विगु समास किसे कहते हैं, उसके सूत्र कौन कौन से हैं द्विगु समास को के विधान को करने वाले, उसके बाद नए समास जिसको कि नए तत्पुरुष समास कहते हैं, और नए समास में कार्य विशेष कौन कौन से हैं, साथ ही गति समास और उपपद समास, इन सब के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। अब आपके सामने द्विगु समास के विधायक सूत्रों का वर्णन विवरण जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे पहला सूत्र है यहाँ पर दिक्संख्ये संज्ञायाम। दिक्संख्ये संज्ञायाम यह द्विगु समास का विधायक सूत्र है। दिक्संख्ये समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह समस्येते, ऐसा कहा है। उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है। यहाँ पर भी विशेषणम विशेषण बहुलम इस सूत्र से यद्यपि समास सिद्ध था, तो भी नियम किया जाता है कि विशेषणम विशेषण बहुलम इस सूत्र से यदि दिक् अर्थात दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों का समास होता है तो वो संज्ञा में ही होता है, इस तरह का नियम यहाँ पर किया है। जैसा कि उदाहरण है पूर्वाचसा ईशु कामशमी च पूर्वेशु कामशमी, ये एक देश विशेष की संज्ञा है। उसी प्रकार से सप्तर्षयः अर्थात मरीचि प्रभृति जो सात ऋषियों का गण है उनकी संज्ञा है सप्तर्षि। तो यहाँ पर संज्ञा में ही दिक्वाचक और संख्यावाचक जो समास यदि विशेषण विशेष समास होता है वो संज्ञा में ही होता है, उसके नियमन के लिए दिक्संख्ये संज्ञायाम यह सूत्र कहता है, ऐसा नियम करता है। और जहाँ पर संज्ञा नहीं होती है वहाँ पर समास भी नहीं होता है, जैसे उत्तराः वृक्षाः पंचब्राह्मणाः इत्यादि। एक दूसरा सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, यहाँ पर जो सप्तमी है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे में, यह सप्तमी द्वंद्व समास में घटक होने के कारण तीनों में द्वंद्व समास के जो घटक हैं तद्धितार्थ उत्तर पद और समाहार, इन तीनों में भी तीनों पदार्थों में भी अर्थभेद से इसका अन्वय होता है सप्तमी का। तो तद्धितार्थ में तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे परतः और समाहारे च वाच्य, इस प्रकार से तीन अर्थ यहाँ पर हमने इसके किए हैं। तो एक का एव सप्तमी विषय भेदात भिद्यते, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। तो तद्धितार्थ के विषय में, उत्तरपद के पर में और समाहार के वाच्य होने पर दिक्वाचक और संख्यावाचक का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है विकल्प से, यह सूत्रार्थ सिद्ध होता है। तद्धितार्थ में समास संज्ञा करने के बाद ही तद्धित प्रत्यय होता है, इसलिए तद्धितार्थ के विषय में ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर तद्धितार्थ के विषय में दिग्वाचक का उदाहरण है पौर्वशाला है, पूर्वस्याम शालायाम भवः यह। और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इससे सूत्र से संज्ञा करने पर समास संज्ञा करने के बाद यहाँ पर सारी प्रक्रिया होने के बाद पूर्वशाला ऐसा समास हम कर देते हैं, पौर्वशाला यह सिद्ध रूप है। उसके बाद संख्यावाचक का उदाहरण है षण मातुरः, षण्णाम मातृणाम अपत्यम, इस अर्थ में भी प्रकृत सूत्र से समास करने के बाद मातृत् संख्या संभद्र पूर्वायाः, इस सूत्र से अणप्रत्यय करने के बाद मातृ शब्द का जो ऋकार है उसको उकार आदेश करके उरण रपरः इत्यादि सूत्र से उसका रपरत्व करके आदि वृद्धि होने पर षाण मातुरः ऐसा रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से उत्तर पदे परतः, उसमें दिक् समास में उदाहरण है
पूर्वाशाला प्रियायस्य, पूर्वशाला प्रिय, ऐसा। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास करने पर प्रिया इस शब्द का जो, यह जो शब्द उत्तर पद में है उससे पूर्व में जो पद है, तो उत्तर पद के पर में रहने पर प्रकृत सूत्र से प्रातिविधिक संज्ञा सुबलुक करने के बाद सर्वनामनः वृत्ति मात्रे पुंवद्भाव, इससे पुंवद्भाव करके पूर्वशाला प्रिय है, इस प्रकार का रूप हम यहाँ पर निष्पन्न करते हैं। इसमें प्रिया शब्द जो अंतिम शब्द है उसमें गोस्त्री और उपसर्जन से, इस सूत्र से उपसर्जन ह्रस्व करते हैं आकार का आकार। इसी प्रकार से संख्यावाचक का उदाहरण है पंच गवधनः, पंच गावो धनम यस्य। यहाँ पर बहुव्रीहि समास करके उसमें, उससे पूर्व में, पूर्व पदों में समानाधिकरण होने पर उत्तर पद के पर में प्रकृत सूत्र से समास करके प्रातिविधिक संज्ञा सुबलुग इत्यादि करके पंच गोधन, इस अवस्था में गोरतद्धित लुकी, इस सूत्र से गो शब्दांत जो तत्पुरुष है उससे टच प्रत्यय समासांत करते हैं, तो पंच गो अधन इस अवस्था में ओकार को अवादेश इत्यादि स्वादि कार्य करके पंचगवधन ये रूप सिद्ध करते हैं। इसके बाद समाहारे वाच्य, हमने तीन अर्थ बताए थे कि तद्धितार्थे विषये, उत्तर पदे परतः और समाहारे च वाच्य। इसमें समाहार में दिग्वाचक पद का समाहार में जब समास करते हैं तो वस्तुतः इस तरह का प्रयोग लोक में नहीं है, इसलिए कहा है कौमुदी में कि दिग्वाचक पद से समाहारे वाच्य प्रयोग है लोके नास्ति। इस कारण से संख्यावाचक पद का समाहार वाच्य में, समाहार जब वाच्य होता है तब प्रकृत सूत्र से समास करने पर पंचानाम गवाम समाहार, इस अर्थ में पंचगवम यह रूप सिद्ध होता है। यहाँ द्विगु संज्ञा है, जो द्विगु संज्ञा कही गई है उसका द्विगुरेक वचनम सन पुंसकम, इन दोनों सूत्रों से समाहार में एक वचन और नपुंसकत्व हम सिद्ध करते हैं। इसके बाद अन्य एक सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगुः कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से संख्या के साथ जो तीन प्रकार का समास हमने कहा उसकी द्विगु संज्ञा भी होती है और तत्पुरुष संज्ञा भी, उसका हमने पहले तत्पुरुष संज्ञा का भी विधान किया ही था, यह कर्मधारय का भेद है। इस प्रकार से द्विगु समास के विधायक सूत्रों के बारे में विवेचन किया गया है। अब नए समास के प्रति हम चलते हैं। नए समास अर्थात नए तत्पुरुष समास, नई इस सूत्र से यह समास विहित है, नए निपात जो है नए नामक निपात उसका सुबंध के साथ समास होता है। यहाँ पर समानाधिकरण का, समानाधिकरण की अनुवृत्ति नहीं होती है, अब्राह्मण है अनश्व है इत्यादि उदाहरण इसके हैं। उसके बाद अन्य एक सूत्र है नभ्राण पान्न वेदाना नासत्य नमुचि नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या। यह नए समाज जो है पाणिनि ने साक्षात निपातन इनका किया है, जिससे इनमें मुख्य मुख्य शब्द जो भी हैं उनको एक बार प्रस्तुत करता हूँ। नभ्राट नपात नवेदाह नासत्याह नमुचि नकुलम नखम नपुंसकम नक्षत्रम नक्रम नाक इत्यादि, यह यहाँ पर क्रम से इनका निपातन किया गया है। इसी प्रकार से नगो अप्राणिषु अन्यतरस्याम, इस सूत्र से अप्राणी के अर्थ में नग शब्द का विकल्प से समास निपातित है। नगह नाम नगच्छति इति नगह, यह पर्वत पर्याय है अर्थात पर्वत, इसका अर्थ होता है पर्वत। नए समास में विशेष कार्य क्या क्या हैं उनको संक्षेप में एक बार आपको बता देते हैं। नए समास में विशेष कार्य हैं नए नलोपो नयः कि नए समास में जो नई निपात है उसका नकार का लोप होता है, जैसे न ब्राह्मण है, इन दोनों का समास करने पर नलोपो नयः, इससे नय के नकार का जब लोप कर देते हैं तो अकार मात्र अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार से अब्राह्मण रूप सिद्ध होता है। तस्मान नुडचि, इसमें क्या है लुप्त नकारात परस्य नयः उत्तर पदस्य अजादेह नुडागमः भवति, ऐसा कहा। अनश्वः ऐसा उदाहरण है कि जब अजादी उत्तर पद हो तब जो लुप्त नकार है अर्थात नलोपोनय से जो नकार का लोप किया था
उसके पर में नुड़ागम होता है। लुप्त नकारात् परस्य नयः उत्तरपदस्य, ऐसा अर्थ हमने किया। तो इस प्रकार से नए समास के ये विशेष कार्य आपको बता दिए गए। अब आते हैं गति समास की ओर। गति समास कुगति प्रादयः, इससे हमने गति समास का विधान किया है, अर्थात पाणिनि जी ने कुगति प्रादयः ऐसा सूत्र पढ़ा है कि उसका उदाहरण है कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः इत्यादि। यहाँ पर कु जो है वो कु अव्यय का ही ग्रहण किया गया है, न कि भूमि पर्याय का। इसी क्रम में गति समास विधायक कुछ वार्तिक भी हैं, उनका भी संक्षेप में निरूपण कर देते हैं। जैसे प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया, इसका उदाहरण होता है प्राचार्य, प्रगतः आचार्य प्राचार्य, प्रगतः पितामह प्रपितामह इत्यादि। उसके बाद दूसरी वार्तिक है अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, क्रांताद्यर्थे विद्यमानस्य अत्यादेः द्वितीयान्तेन सह समासः भवति। जैसे अतिक्रांतः मालाम् अतिमालः, मालाम् अतिक्रांतः अतिमालः, ये उदाहरण है। उसके बाद तीसरी वार्तिक है अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, अवकृष्टः कोकिलया, अवकोकिलः यह उदाहरण है, कोकिलया आहूतः इत्यर्थ। ऐसे ही पर्यादयः ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, परिग्लानः अध्ययनाय पर्यध्ययनः, निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या, ये एक अन्य वार्तिक है, निष्कोशाम्बी निष्क्रांतः कोशाम्ब्याः निष्कोशाम्बी, ऐसा इसका उदाहरण है। उसके बाद उपपद समास, उपपदम अतिं, इस सूत्र से उपपद समास का विधान किया गया है कि उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते, तिंगन्तस्य अयम समासः नास्ति, ऐसा कहा है कि उपपद जो है सुबंत वो समर्थ के साथ नित्य समास को प्राप्त करता है। उपपद किसको कहते हैं, समीपोच्चारितम पदम उपपदम इति, ऐसा सामान्यतः कहते हैं, लेकिन यही यहाँ पर नहीं लेना है, अपितु तत्रोपदम सप्तमीस्थम, इस सूत्र से जिसकी उपपद संज्ञा कही गई है उसको यहाँ पर लेना है। इस प्रकार से उपपद समास का विधान यहाँ पर किया है, जो कि तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार से आपने इस पाठ में द्विगु समास, नए तत्पुरुष समास, गति समास और उपपद समास के विधायक सूत्रों के साथ उनका साधारण विवेचन का आपने यहाँ पर लाभ लिया। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।